जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSE क्लासेस इन माई वे में। देखिए, अभी तक जो सेशन चल रहा था एडजेक्टिव, आपने लास्ट टाइम में देखा था कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, और आपने देखा कि एक होता है डेफिनेट एडजेक्टिव आपने देखा, ठीक है, और इनडेफिनेट देखा आपने जो न्यूमेरियल एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। इनडेफिनेट आपने देखा, ठीक। उसके बाद आपने देखा कि क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ, उसके बाद क्वालिटी आपने देखा। ऐसे ये चार पांच चीज़ें हम लोगों ने सीखा। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि आज हम सीखेंगे कि डेमोंस्ट्रेटिव और आप देखेंगे कि जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव्स एडजेक्टिव, ठीक है, ये चीज़ें हमने सीखनी है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि क्या होता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन आज जो हम सीखने वाले हैं। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। अच्छा, बेसिकली डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं बताऊँ। पॉइंट आउट विच पर्सन्स और थिंग्स इज मीन्ड, इसका मतलब ये होता है सीधी सी बात कि ना, कि आप कह लें कि दिस एडजेक्टिव, दिस एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट पर्सन और थिंग्स, ये आप कह लें कि यह एडजेक्टिव वस्तु या व्यक्ति को व्यक्ति को इशारा करती है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, जैसे ऐसे कह लें, दिस बॉय इज वेरी, दिस बॉय इज वेरी गुड एट स्टडी, ठीक है। तो अब और एक एग्जांपल अगर हम लें तो आप कह सकते हैं दीज मैंगोज आर सॉर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं दीज मैंगोज आर सॉर, ठीक है। अभी ये देखें, दिस और ये जो दीस है और दीज है, ये क्या है, डेमोंस्ट्रेट कर रहे, कौन से मैंगो, कौन सा बॉय, ये वाला लड़का, और कौन से मैंगोस, ये। तो इस तरीके से जो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, सॉरी, जो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, अच्छा, ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो लेकिन अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। अब आप बताइए हमको कि एडजेक्टिव क्या होता है। आपको पता ही है कि ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या उसके बारे में विशेषता बताए, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब आप सोचो, अगर ये एडजेक्टिव्स हैं, जैसे अगर मैं एक थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो आप ऐसे कह लें, देखिए ये दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेशन। तो ये जो पॉइंट्स आउट ना, आप कह सकते हैं कि ऐसे कह लें इंडिकेटिव,
इंडिकेटिव एडजेक्टिव एकदम नॉर्मल भाषा में कि जो संकेतिक, जो संकेत करे, वैसे जो नाउन या प्रोनाउन की जगह पर, नाउन के, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए और वो उसे इंडिकेट करे, वो क्या होगा? इंडिकेटिव, या आप कह लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आगे सीखने वाले हैं हम कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और ओ सॉरी, मैं बार बार प्रोनाउन कह रहा हूँ, ये आप पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, आप हमको बताइए, जैसे जब आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे तब भी उसमें दिस दैट था, इसमें भी दिस दैट है, लेकिन क्या वो प्रोनाउन की तरह काम कर रहा था? वो नाउन या प्रोनाउन की जगह पर, मतलब प्रोनाउन के स्थान पर यूज़ किया जा रहा था, इसलिए वो क्या था? नाउन, प्रोनाउन था। लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, इसके लिए क्या हो गया? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसमें कौन कौन से आएगी, ऐसे ही मैं आपको बता दूँ। आपका हो गया वॉट, विच, ठीक, हुज, व्हेन, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ये ठीक, एग्जाम्पल में कह रहे हैं, जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, एग्जाम्पल व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, और एग्जाम्पल अगर हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। ठीक, तो ये देखिए, ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव। अब हमको बताइए कि सीधी से समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि भाई, अगर जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए या उसके बारे में कुछ जानकारी दे, उसके बारे में कोई जानकारी दे, तो वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ये तय है, बिल्कुल ठीक। अब लेकिन ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन भी पूछे और वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए भी, तो वो क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे व्हाट, विच, हुज, व्हेन, एग्जाम्पल हमने देखा, एग्जाम्पल में हम ऐसे समझते हैं, व्हाट मैनर, मैनर क्या है? नाउन है, और ये इसकी विशेषता बता रहे, कैसा मैनर, और वो व्यक्ति कैसा है? व्हाट मैनर ऑफ, ठीक है, व्हाट मैनर ऑफ मैन, या हुज बुक इज दिस, बुक क्या है? नाउन है, ठीक, हुज बुक इज दिस। तो और आपको पता है कि एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव को आप देखेंगे कि ये लगभग किसके पहले आएगा? बिफोर बिफोर द वर्ड विच इट क्वालिफाई, मतलब उस वर्ड के पहले आता है जिसको ये क्वालिफाई करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अब ये बुक है, आ गया। और आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन, अब ये नाउन है, इसके पहले आ रहा है और इसकी विशेषता भी बता रहा है कि भाई किसकी बुक है, तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव। ये तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑलमोस्ट, मतलब हम लोगों ने फिनिश कर लिया कि अभी हमें क्या सीखना है। अच्छा, ये हमने देखा, ये देखा, ये तो ये दोनों ही मिलकर के क्या थे? न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक। उसके बाद आपने देखा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। फिर आज आपने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है कि ये क्या करता है? पॉइंट्स आउट करता है या इंडिकेट करता है, आप ऐसे लिख लें कि ये ना इंडिकेट करता है, क्या करता है? दिस एडजेक्टिव इंडिकेट्स, या तो वो पर्सन को करेगा या तो थिंग्स को करेगा। तो इस जैसे ये आपका हो गया दिस और दिस, ये इंडिकेट कर रहा है ना, ये आदमी, ये मांगो, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगला आपने देखा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को, कि ये इस तरीके से क्या होता है? जैसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है तो ये क्या करता है? विशेषता को बताता है। विशेषता बताने के बोले तो
ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब वो क्या आएगा, वो क्वेश्चन पूछेगा लेकिन वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या वो प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है या उसके बारे में कोई चीज़ बताता है। तो व्हाट मैनर ऑफ मैन, तो उस मैनर के बारे में बता रहा है ये, और इस बुक की, ये एक नाउन है इसके बारे में बता रहा है ये, तो ये किसकी बुक है। और ये एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो अगर क्वेश्चन पूछे तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपका होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये, अब हम आगे हम जो देखने की हम जो पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे डिग्री की। ठीक है, कि एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है। जैसे एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इस ये सभी डिग्रीज हम मतलब आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।